पीपल्स टाइकोंडो एसोसिएशन की ओर से फोर सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स टाइकोंडो चैंपियनशिप 2021 का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को आयोजित किया गया, जिस दौरान महाराष्ट्र राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। टाइकोंडो कला एक कोरिया मार्शल कला है। इस कला का आविष्कार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। हालांकि धीरे धीरे यह पूरी दुनिया में फैल गया। आज टाइकोंडो को 270 से अधिक देशों में लगभग 8 करोड़ लोग यह खेल खेलते हैं। इसी खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स टाइकोंडो एसोसिएशन की ओर से फोर्थ सीनियर बॉयज एंड गर्ल्स टाइकोंडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था, जिसका पुरस्कार वितरण रविवार को किया गया। इस अवसर पर राज्य के क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस दरमियान मैंने पदभार संभाला उसके बाद से ही खून आया, जिसकी वजह से जो काम मुझसे अपेक्षित थे उन्हें मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है और अभी खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया जाएगा। यह मोटा विषय है। अपन स्पोर्ट्स मतलब कि आवरून सगळ्याच्या कल्पना आणि विचार पटकन मेडल्स कडे जातात। कुठे एशियन गेम मेडल्स, कुठे नॅशनल गोल्ड मेडल्स, कुठे त्या ठिकाणी स्टेट लेवलचे आणि मग शेवटी ऑलिम्पिक, ह्या मेडल्सकडे साधारणतः सगळ्यांचं इमिजिएट द फोकस असतो, तो मेडल्सकडे जातो। पण इफ यू आस्क ए पर्सन लाईक मी, माझ्यासारख्या माणसाला समजून तुम्ही विचारलं, मी त्याच्या पलीकडे विचारलं, तो विचार माझा योग्य आहे की नाही योग्य आहे, स्पोर्ट्समध्ये असलेल्या लोकांनी त्याचं अवलोकन करावं किंवा त्याच्यावर मला त्या ठिकाणी मार्गदर्शन सुद्धा करावं। आणि विशेषतः ही जी मुलं आहेत यांनी सुद्धा मला मार्गदर्शन केलं, मला आवडेल त्या ठिकाणी। उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी में युवाओं को एक सही दिशा देने के उद्देश्य से यूथ सेशन फेस्टिवल का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें 22 से 23 टाइकुंस शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।